हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई पेड़। किसी गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा जरूरत से अधिक बोलता था और गांव वालों को बहुत परेशान करता था। वह लोगों से अपना काम निकलवाता था और बदले में उनका नुकसान करता था। वह किसी को भी मूर्ख बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। गांव के सभी लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन रामदास गांव के सरपंच के पास गया। अरे अरे अरे, अरे सरपंच की जय हो। अरे रामदास, तुम अचानक यहाँ कैसे? कोई समस्या है क्या? सरपंच जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खेत ना होने के कारण मेरे पशु भूखे हैं। मैं उन्हें घास नहीं खिला पा रहा हूँ। अगर आप मुझे एक खेत उधार दे दें तो आपका बहुत आभार होगा। यदि ऐसी बात है तो तुम मेरे एक खेत में खेती कर सकते हो, पर जरूरत पड़ने पर मुझे खेत वापस कर देना। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत धन्यवाद। रामदास खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से खेती करना शुरू करता है। सुबह से शाम तक खेती करते करते रामदास बहुत थक जाता है। रोज इतना सारा काम करके तो मैं बहुत जल्दी कमजोर हो जाऊंगा। मुझे अपना काम कराने के लिए कुछ मजदूर ढूंढने होंगे, पर बिना पैसों के काम करवाऊंगा कैसे? रामदास सोच में पड़ जाता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वे गांव वालों को बुलाता है। मुझे अपने खेत में काम करने के लिए कुछ मजदूर चाहिए। आप सब में से जो भी मेरे खेत में मजदूरी करेगा उसे मैं हर 3 महीने बाद 7,000 रुपए दूंगा। अरे तुमने अपना काम निकलवाने का नया तरीका ढूंढ लिया? हम सब तो शायद ही कभी तुम्हारे काम आएंगे। हाँ भला, इतने मतलबी इंसान के काम आएगा भी कौन? रामदास समझ जाता है कि गांव वाले उसकी बातों में नहीं आने वाले, इसलिए वे दूसरे गांव से 2 मजदूर ले आता है। मजदूर बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। रामदास ये देखकर बहुत खुश होता है और दोनों मजदूरों को कुछ दिन की छुट्टी पर भेज देता है। छुट्टी खत्म होने पर दोनों मजदूर वापस आते हैं। मालिक, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अब आप हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे मैं तो तुम दोनों को जानता ही नहीं, कौन हो तुम लोग? मालिक, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों ने दिन रात आपके खेतों में काम किया है और आप हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, पर मेरे पास तो खेत ही नहीं है, फिर तुम दोनों ने काम कहाँ किया? चलो भाई, यहाँ से चलते हैं, इसका हिसाब भगवान करेंगे। दोनों मजदूर ये समझ जाते हैं कि रामदास उनके पैसे नहीं देने वाला, इसलिए वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात रामदास के सपने में भगवान गणेश आते हैं। तुम बहुत ही मतलबी और बुरे कर्म करने वाले इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे आंगन में एक पेड़ लगाकर जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन के दिन और कर्म जुड़े होंगे। तुम जब कभी किसी के साथ गलत करोगे उसी समय उस पेड़ के पत्ते गिरने लगेंगे। पेड़ पर जितने पत्ते बचेंगे तुम्हारी जिंदगी में भी उतने ही दिन बचेंगे। यह कैसा सपना था, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। रामदास जैसे ही बाहर निकलता है वे देखता है कि उसके आंगन में एक नया पेड़ है जो बहुत घना है। रामदास पेड़ को देखकर सोचता है, अरे यह पेड़ तो बहुत घना है, जब तक इसके सारे पत्ते गिरेंगे तब तक तो मैं मर भी जाऊंगा। रामदास बिना किसी डर के वापस अंदर चला जाता है। वह अभी भी लोगों को पहले की ही तरह मूर्ख बनाता रहता है और पेड़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। दिन प्रतिदिन पेड़ के पत्ते कम होते जाते हैं। एक दिन गांव के सरपंच रामदास के घर आते हैं। अरे सरपंच जी, आप अचानक यहाँ कैसे? मैं तुमसे अपना खेत वापस लेने आया हूँ। कौन से खेत? मैंने तो आपसे कोई खेत नहीं लिए। क्या, यह क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें एक खेत उधार दिया था। आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं, आपने मुझे कोई खेत नहीं दिया, अब आप यहाँ से जाइए। रामदास सरपंच को घर के बाहर छोड़ आता है। वापस आते हुए वे आंगन के पेड़ की तरफ देखता है। रामदास पेड़ को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अरे यह पेड़ तो बहुत घना था,
फिर इसमें सिर्फ एक ही पत्ता कैसे बचा? पेड़ पर एक पत्ता बचने का मतलब मेरी जिंदगी भी एक ही दिन की बची है। रामदास बहुत घबरा जाता है और उसे मरने का डर सताने लगता है। उसको अपनी हर वो बात याद आती है जो उसने गलत कही थी। वह सोचता है, मैंने अपने पूरे जीवन में बस लोभ लालच ही किया है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। कम से कम आज तो मैं अच्छे काम जरूर करूँगा, मरने से पहले किसी का तो भला करूँ। रामदास सबसे पहले सरपंच के पास जाता है और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। वह सरपंच को उधार लिए हुए खेत भी वापस कर देता है। वहाँ से निकलने के बाद रामदास दोनों मजदूरों के पास जाता है जिनसे उसने मुफ्त में खेती करवाई थी। क्या हुआ मालिक, आज फिर से यहाँ कैसे? लगता है फिर से कोई काम करवाना है मालिक को, वो भी मुफ्त में। नहीं नहीं भाइयों, मैं तो सिर्फ तुम दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारी मजदूरी भी अपने साथ लाया हूँ। रामदास दोनों मजदूरों को कुछ रुपए देता है और वहाँ से चला जाता है। वे गांव के सभी लोगों से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। सभी गांव वाले रामदास को माफ कर देते हैं। रामदास घर वापस आने के बाद जब पेड़ की तरफ दोबारा देखता है, वह फिर से हैरान रह जाता है। वह देखता है कि पेड़ पर बहुत सारे पत्ते आ गए हैं। अरे यह क्या, इस पेड़ पर तो एक ही पत्ता बचा था, फिर अचानक इतने सारे पत्ते कैसे आ गए? जरूर भगवान ने मेरी जिंदगी के कुछ दिन और बढ़ा दिए हैं। रामदास को ये बात समझ आ जाती है कि अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वह गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है और सदैव अच्छे कर्म करने लगता है। गांव वाले भी रामदास के व्यवहार से बहुत खुश रहने लगते हैं। रामदास भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।